अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे उन कामों के बारे में जिनको करने से रोज़ा नहीं टूटता है। लोग समझते हैं कि रोज़ा टूट गया है, लेकिन उन कामों को करने से रोज़ा नहीं टूटता है। साथ ही साथ हम आपको बताएंगे कि रमज़ान में 5 गलतियां नहीं करनी चाहिए। और दोस्तों, इन सब के साथ साथ हम आपको बताने वाले हैं कि रमज़ान में औरतों के क्या हक होते हैं। सब कुछ बताने वाले हैं, बस आप इस वीडियो को अभी लाइक कर दें, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों, रमज़ान के इस महीने में औरतें बेचारी सबसे बाद में सोकर सबसे पहले उठती है, खुद सहरी बनाती है, लेकिन सबसे आखिर में सहरी खाती है। दिन भर रोज़ा रख कर बच्चों को दूध पिलाती है और बिना रोज़े के बच्चों के लिए दोपहर में खाना बनाती है। इसके बाद पता नहीं कि किस हिम्मत से वो जोहर की नमाज़ पढ़ पाती है और उसके फौरन बाद कुरान पाक पढ़ना शुरू कर देती है, और बिना आराम किए 4 से 5 बजे से ही इफ्तारी में लग जाती है। दोस्तों, उन्हें रोज़ाना हर एक की पसंद की चीज़ जैसे पकोड़े, शरबत और ना जाने क्या क्या फरमाइशें होती है, फिर भी उसे वही टेंशन होती है कि क्या पता ये शोहर या ससुर को या बच्चों को पसंद आएगा भी या नहीं आएगा। भले ही बाकी सब दस्तरखान पर बैठ जाते हैं, लेकिन औरत तो अजान के शुरू होने तक कुछ ना कुछ इसलिए बनाती है ताकि उसके घर वाले अच्छी तरह से इफ्तारी कर सके। औरत तो घर वालों का रोज़ा खोलने की फ़िक्र करती है, लेकिन उसकी फ़िक्र कोई नहीं करता। वो खुद ही जल्दी जल्दी से सबसे बाद में रोज़ा खोल पाती है, लेकिन फिर भी कोई इफ्तारी ऐसी नहीं होती जिसको उसे तारीफ़ के 2 बोल सुनने को मिल जाए। उसके बावजूद उसे पकोड़े और शरबत में शिकायतें सुनना पड़ती है। कोई कहता है खाने में नमक तेज़ है, कोई कहता है शरबत ठीक से नहीं बना है। दोस्तों, जब सब लोग खाना खा लेते हैं तो वह दस्तरखान समेट कर बर्तनों को धोकर उठती है। इतने में ईशा की नमाज का वक्त हो जाता है, फिर वो नमाज और तरावी पढ़कर सबके बिस्तर डालती है और वो सो जाती है। अभी 3 से 4 घंटे की नींद ही हो पाती है कि उसे उठकर फिर से सहरी बनाना पड़ती है। ये औरत की हिम्मत होती है जो ये सब काम कर पाती है। लिहाजा अपने घर की औरतों का एहसास कीजिए, और अगर खाने में कोई ऊंच नीच हो जाए, कभी नमक या मिर्च ज़्यादा कम हो जाए, तो गुस्सा करने के बजाय औरत की मेहनत देखे, ना कि उस पर चीखना शुरू कर दे। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि रोज़े के हालत में वो कौन से ऐसे काम हैं जो नहीं करने चाहिए। रोज़े में ये गलतियाँ नहीं करनी चाहिए। नंबर 1, टीवी और नाच गाना देखना। दोस्तों, सबसे पहला काम है टीवी देखना। आजकल ये देखने में आता है कि कुछ लोग रमज़ान के महीने में भी टीवी देखने से बाज नहीं आते, रोज़ा रख कर भी पूरे दिन टीवी के सामने बैठे रहते हैं। लेकिन हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने नाच गानों से मना फरमाया है। और यही नहीं, नाच गाना देखना और टीवी देखना तो रमज़ान के अलावा भी इस्लाम में हराम काम है, क्योंकि दोस्तों इस तरह के काम जिक्र इलाही से रोकने वाले काम हैं। इन काम से रोज़ा तो नहीं टूटता, लेकिन रोज़े का नूर ख़त्म हो जाता है। नंबर 2, झूठ बोलना, गीबत करना। किसी इंसान के पीठ पीछे कोई बुराई करना, यही गीबत है। दोस्तों, दूसरा काम है गीबत करना, झूठ बोलना और गाली गलौज करना, किसी से लड़ाई झगड़ा करना। यह सब काम भी रोज़े की हालत में नहीं करने चाहिए, इसीलिए आप इन कामों से हमेशा बचकर रहे। नंबर 3, नफ्स पर काबू ना रखना। दोस्तों, जो रोज़दार अपने नफ्स पर काबू नहीं रखते तो ऐसे शख्स के रोज़े पर असर पड़ता है, और बाज़ मरतबा इंसान का रोज़ा टूट भी जाता है और बाज़ मरतबा मकरूह भी हो जाता है। जैसा कि अपने बीवी से गले मिलना और बोसा लेना दुरुस्त नहीं है। हज़रत अबू हुरैरा से रिवायत है, एक शख्स ने नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से रोज़े की हालत में बीवी से गले मिलने का सवाल किया, तो नबी करीम हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इजाज़त दे दी। फिर एक और शख्स आया, उसने भी यही सवाल पूछा, तो नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने उसे मना फरमा दिया, यानी कि दूसरे शख्स को इजाज़त नहीं दी। इस पर हज़रत अबू हुरैरा बयान करते हैं कि जिस शख्स को नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इजाज़त दी थी वो शख्स बूढ़ा था, और जिसे नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया था, जिसे इजाज़त नहीं दी थी, वो शख्स नौजवान था। नंबर 4, गंदे काम करना। दोस्तों, रोज़े की हालत में बेहुदा जहालत के काम यानी कि गंदे काम और बातें करना भी नाजायज़ और मना है। हज़रत अबू हुरैरा से रिवायत है कि नबी करीम हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोज़ा सिर्फ खाने पीने से रुकने का नाम नहीं है,
बल्कि बेहुदा और गंदे कामों से रुकने का भी काम है। लिहाजा अगर कोई गाली गलौज करे तो उसके पास से हट जाए और उससे कह देना चाहिए कि भाई मैं रोजे से हूँ और मैं तुम्हारा कोई जवाब नहीं दूंगा। नंबर 5, नाक में पानी डालना। दोस्तों, कुछ लोग रोज़ा रखकर ये भी गलती करते हैं कि वो लोग रोजे की हालत में कुल्ली करते वक्त नाक में पानी इस तरीके से चढ़ाते हैं कि पानी हलक तक पहुँच जाने का डर होता है। हमारे प्यारे नबी हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इससे मना फरमाया है। इस तरह से नाक में पानी डालना जायज़ नहीं है। एक सहाबी कहते हैं कि मैंने एक मरतबा प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, वज़ू के बारे में मुझे कुछ बताइए। तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने वज़ू पूरा करने को कहा। उंगलियों के दरमियान और नाक में अच्छी तरह से पानी डालो, लेकिन अगर रोज़ा हो तो ऐसा मत करो। तो दोस्तों, इसका मतलब ये हुआ कि रोज़े की हालत में नाक में इस तरह से पानी ना डाले कि वो हलक से नीचे उतर जाए। प्यारे दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं उन कामों के बारे में जिनसे रोज़ा नहीं टूटता है। नंबर 1, भूलकर खाने पीने से या बीवी के साथ हम बिस्तरी करने से रोज़ा नहीं टूटेगा। यानी अगर कोई शख्स भूलकर कुछ खा लेगा या पी लेगा, या बीवी के साथ भूलकर हम बिस्तरी कर रहा है और उसको ये याद नहीं कि उसका रोज़ा है, तो ऐसी सूरत में उसका रोज़ा नहीं टूटेगा। लेकिन जैसे ही उसे याद आ जाए तो उन चीज़ों को छोड़ना लाजिम है। नंबर 2, इंजेक्शन लगवाने से रोज़ा नहीं टूटता है। चाहे आप इंजेक्शन लगवाए गोश्त में लगवाए या नस पर लगवाए, दोनों सूरतों में रोज़ा नहीं टूटेगा। नंबर 3, तेल या सुरमा लगाने से रोज़ा नहीं टूटेगा। अगरचे तेल या सुरमे का मज़ा आप अपने हलक में महसूस करते हो, फिर भी रोज़ा नहीं टूटेगा। नंबर 4, मुंह से खून निकल रहा है और आपने उस थूक को बाहर थूक दिया तो आपका रोज़ा नहीं टूटेगा, लेकिन आपने खून को हलक से नीचे उतार दिया तो अब आपका रोज़ा टूटेगा या नहीं। इसमें दो सूरतें हैं। पहली सूरत तो ये है कि अगर खून थूक से ज़्यादा है, या खून और थूक दोनों बराबर है और आपने उसको अपने हलक से नीचे उतार लिया तो आपका रोज़ा टूट जाएगा। दूसरी सूरत ये है, अगर खून थूक से कम है और आपने उसको हलक से नीचे नहीं उतारा तो आपका रोज़ा नहीं टूटेगा। लेकिन बेहतर ये है कि जब भी रोज़े की हालत में मुँह से खून निकले तो आप उसे फौरन थूक दे। नंबर 5, नाखून काटने से भी रोज़ा नहीं टूटता है। और नंबर 6, थूक निगलने से भी रोज़ा नहीं टूटेगा। प्यारे दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें। इस वीडियो को लाइक करें और अपने प्यारे दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं एक फिर नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अस्सलामुअलैकुम, अल्लाह हाफिज़।